Fine. So we are discussing, थोड़ा कम कर दो, we are discussing the difference between the Himalayan and the Peninsula rivers, and as I told you, सबसे पहले point of difference will be in the terms of origin. Second, we are discussing river regime, मतलब कितना पानी है river में. So this is the Ganga river regime का system. अपने हिसाब से diagram बनाना है. This can be same for Indus, this can be same for Brahmaputra. Why the river का regime is low here? Because this is the time when the snow is there and there is no melt water. Uske baad it increases. Or if I want to show you Godavari ka river regime ya peninsular Indian kisi bhi river ka river regime, ऐसे होगा. दैट इज उनमें पानी ही नहीं है इन द मंथ ऑफ जैन फेब मार्च अप्रैल मई एंड जून. जून से उनमें पानी आना शुरू हो जाता है बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. बस यही एक्स्ट्रा पॉइंट है इन ऑप्शनल. यू विल अंडरस्टैंड लैंड रिफॉर्म्स. आज द वे वी आर गोइंग टू डू इन ऑप्शनल लैंड रिफॉर्म्स का एक बहुत सारा चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी. ऑब्वियसली माई फोकस इज नॉट ऑन खुल्लर और दिस थिंग. Fine. So this is the second part, ki river regimes, perennial, seasonal. Third, sediments. किसकी ज्यादा है sediments? Himalayan rivers की. क्यों ज्यादा है? दो reasons है उसके. कहाँ पे? Erosion capacity है. And secondly, in the mature stage it is flowing through soft alluvial soil, while the peninsular rivers do not have that much erosion capacity and they flow through the shallow rock structure, shallow valleys, etc. they flow through the shallow structure or the shallow valleys. Ye hai third. So because of the sediments, delta bade hai, delta chote hai. Kiske? Peninsular rivers ke. Next, area size kiski badi hai? Himalayan rivers. Himalayan rivers are bigger in size as compared to the peninsular rivers, and because they are bigger in size as compared to the peninsular rivers, they form huge catchment area. They have big watershed. Now what do you mean by watershed? ये डायग्राम आ जाएगा. दे हैव ह्यूज ड्रेनेज बेसिन्स. किसका? हिमालयन रिवर्स. फॉर एग्जाम्पल, ड्रेनेज बेसिन ऑफ गंगा, ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडस, ड्रेनेज बेसिन ऑफ गोदावरी कितना छोटा है एज कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर्स. फाइन. सो हमें सिर्फ दो ही डायग्राम बनाना है. एक ये शेडेड रीजन, दिस इज द ड्रेनेज बेसिन ऑफ गंगा. वॉट डू यू मीन बाई ड्रेनेज बेसिन? ड्रेनेज बेसिन मीन्स लार्जर वाटर शेड. वॉट इज वाटर शेड? जहां जहां से द पानी आता है टू द मेन रिवर इज नोन एज एन वाटर शेड. इट इज एन एरिया ऑफ प्लानिंग. फाइन. वाटर शेड इज एन एरिया ऑफ प्लानिंग. वॉट इज वाटर शेड? रीजन फ्रॉम वेयर द रिवर विल गेट ऑल इट्स वाटर. बट वाई, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर शेड एंड ड्रेनेज बेसिन? वाटर शेड एंड ड्रेनेज बेसिन में यही फर्क है, द लार्जर वाटर शेड्स आर नोन एज बेसिन्स and the smaller basins of a river are known as water sheds. Fine. Uska reason ye hai because none of the peninsula river has Himalayan river as a tributary, but many Himalayan rivers have peninsula rivers as tributary. Example, Chambal is a tributary of Yamuna. Example, Son is a tributary of Ganga. Example, Damodar is a tributary of Ganga. Fine. Example, ye sari Kameng, Subansari, लोअर सुबानसरी, अपर नहीं, लोअर सुबानसरी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र. बराक इज द ट्रिब्यूटरी, बट बराक इज अ पेनिनसुला रिवर, इट इज नॉट एन हिमालयन रिवर. तो ये तो हिमालयन रिवर्स की हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है ही. दे हैव इन एक्सेस टू द हिमालयन ट्रिब्यूटरीज, दे हैव सम पेनिनसुला रिवर्स एज द ट्रिब्यूटरीज. फाइन. और एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस, डेल्टा तो मैंने ऐड कर लिया था, लार्जर डेल्टा, स्मॉलर डेल्टास और मियांड्रिंग कोर्स, शिफ्टिंग ऑफ रिवर चैनल्स कहां पे हो रहा है? इन द हिमालयन रिवर्स. व्हाई? बिकॉज द रॉक इज सॉफ्ट. कहां पे नहीं हो रहा है?
इन द पेनिनसुला रिवर्स बिकॉज दे फ्लो थ्रू हार्ड सॉइल. राइट. नेक्स्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी. कौन सी ज्यादा नेविगेबल है? क्यों? एक तो पेरिनियल है, दूसरी बिकॉज दे फ्लो थ्रू मैच्योर स्टेज. ऑन अदर हैंड या ओल्ड एज. ऑन अदर हैंड पेनिनसुला रिवर्स फ्लो थ्रू पेनिनसुला विच इज अ प्लाटू एंड प्लाटू हमेशा अंड्यूलेटिंग होता है, ऊपर नीचे होता है, इसलिए दे आर नॉट मच नेविगेबल एज देर आर न्यूमरस कैटरेक्ट्स. रिवर बेड इज अनइवन, सो नेविगेबिलिटी कम है. बट मोर इम्पॉर्टेंटली ग्रेट प्लेन्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालयन रिवर्स एंड देयर फॉर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज एल्यूवियल इज एक्सट्रीमली रिच एंड हेंस दिस इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट एल्यूवियल सॉइल जो खुद हिमालयन रिवर्स ने बनाई है. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इरीगेशन इज कनाल इरीगेशन. कनाल्स कहाँ पर बना सकते हो? जहाँ पे लैंड इज वेरी वेरी फ्लैट. यू कैनॉट मेक कनाल्स इन द रीजन्स जहाँ पे द लैंड इज अनइवन. So we have canal irrigation in the North India and second region of canal irrigation is Sirphiye, Krishna Godavari Delta and Coromandel Coast region. Baki ke jage we don't have canal irrigation. Getting it? And therefore cropping pattern, irrigation hai isliye cropping pattern, irrigation hai isliye infrastructural problems of agriculture are not there in the North as compared to the Southern India. क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम? इरिगेशन, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पावर. ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इन. देखो सीड्स वो सब तो कॉमन प्रॉब्लम्स है, ये कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज पे इतना डिपेंड नहीं करते. बट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज लैक ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इज नॉट दैट मच प्रेजेंट इन नॉर्थ इंडिया बिकॉज ऑफ द हिमालयन रिवर. ह्यूमन ज्योग्राफी में अब हिमालयन रिवर्स के रीजन्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है कि नहीं है? सो यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है? इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स. इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर में दो प्रॉब्लम्स है. इतना अच्छा सिलेबस और किसी चैप्टर का नहीं हमारा. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स. सो व्हाट आर इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स? लैंड होल्डिंग्स, लैंड टेन्योर, लैंड रिफॉर्म्स, फिर है क्रॉपिंग पैटर्न, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंटेंसिटी, क्रॉप कॉम्बिनेशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, ड्राई फार्मिंग, लाइफ स्टॉक रिसोर्सेस एंड वाइट रिवोल्यूशन, सेरिकल्चर, एपिकल्चर, पोल्ट्री. इतना आसान चैप्टर और कोई नहीं है सिर्फ. एंड डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, इस साल क्या था कंपैरिजन? फाइन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इन चैप्टर्स में से. सो बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी दिस रीजन सफर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स. दैट इज देयर इज अ tendency of share croppers, there is a tendency of zamindari system except in the left wing ruled states. jahan jahan left wing ki government thi wahan pe proper land reforms hue, jahan pe nahi tha wahan pe land reforms nahi hue properly. Getting it? In the left wing ruled states. Now why land reform should be done? Sabse pehle kya hai land reforms? Economics What do you mean by land reforms? So distributing excess land to the smaller landholder. Q. कैसे? हाँ. डीपीएसपी में भी था हमारे. तो लैंड देके कैसे जनरल लेवल तक लाओगे? जस्ट ही दे आर वर्किंग ऑन सम अदर्स लैंड, सो उससे क्या फर्क पड़ेगा? दे आर गेटिंग वेजेस. नहीं,
बेगाड़ी सिस्टम। सो दे डू नॉट गेट इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स सच एज मे बी इफ देर आर नो इंफ्रास्ट्रक्चर देर इज नो इंस्टीट्यूशनल लैंड रिफॉर्म्स दे विल नॉट गेट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स बट ये सब नहीं। स्टडी ऑफ बैनर्जी विच शोज दैट स्मॉलर द फार्म साइज मोर प्रोडक्टिव द फार्म साइज आर। हमें ऑप्शनल में लिखना है तो हम ये लिखेंगे स्टडी ऑफ बैनर्जी स्मॉलर द फार्म साइज मोर प्रोडक्टिव आर द फार्म्स। स्टडी ऑफ शबनम शबनम एट ऑल द विच सेज दैट द हायर द चांसेस मतलब ग्रेटर विल बी द प्रोड्यूस इफ द लैंड इज ओन्ड बाय द टिलर एंड लेसर विल बी द प्रोड्यूस इफ द लैंड इज नॉट ओन्ड बाय द टिलर। मीन्स इफ यू आर वर्किंग एज अ टेनेंट यू विल नॉट बी प्रोड्यूसिंग दैट मच। रीजन रीजन प्रिंसिपल एजेंट थियरी प्रिंसिपल एजेंट थियरी। प्रिंसिपल एजेंट थियरी क्या कहता है कि यू आर द ओनर ऑफ अ लैंड आपके पास कोई लेबरर्स है देर आर एग्रीकल्चर लेबरर्स दिस एग्रीकल्चर लेबरर्स को यू पुट इट ऑन वेज बेसिस। सो उन्होंने ज़्यादा मेहनत की या कम मेहनत की इफ दे वर्क वेरी हार्ड और इफ दे डोंट वर्क वेरी हार्ड दे आर गोइंग टू गेट द सेम वेज। सो इफ यूर एग्रीकल्चरल इनपुट इंक्रीजेस इफ यूर एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीजेस उसका वेज से तो लेना देना नहीं उनको 200 रुपये दिन ही मिलेगा they are going to get 200 rupees per day and if your agriculture productivity decreases of your farm they are also going to get 200 rupees per day so they don't work efficiently or they don't even work properly to even in their basic average mein kaam nahi karenge so that your agriculture input increases that is principal agent theory. So as a result of this you principal that is the owner of the land has to keep watch on the agents and keeping the watch on the agents results into socio-economic crimes. Yeah, it is a very costly affair. Right? Optional में theory आने दो. Higher productivity. नहीं ये सब चीज़ें ये जब जितने भी studies हुई है this all happened land reforms की studies before 1970 and before 1970 till the time mechanization in agriculture did not come छोटी land more productive. आज भी है छोटी land is more productive. क्यों छोटी लैंड इज मोर प्रोडक्टिव बिकॉज छोटी लैंड में लेबर्स डोंट वर्क द ओनर ऑफ द लैंड हिमसेल्फ वर्क्स एंड इसलिए व्हेन द ओनर इज वर्किंग ही विल बी टेकिंग आउट द मैक्सिमम इनपुट। जब लेबर काम करेगा व्हेन द लेबर इज गोइंग टू वर्क ऑन द लैंड देयर विल बी द प्रिंसिपल एजेंट थियरी एंड लेबर वोंट बी दैट मच मोटिवेटेड। सो सेकेंड इफ यू आर अ बिग लैंड ओनर यू विल इधर एम्प्लॉय अ लेबर so principal agent theory applies. Secondly if you are not a big landowner if you are a big landowner and if you don't employ labor you will give it to someone else for sharecropping jisko hum kehte hain tenants fine. Ab tenants ko indirect income tax dena padta hai. Income tax means whatever the produce or whatever the money that comes from the land 50% has to be shared with the owner of the land. Fine, 50% has to be shared with the owner of the land. That is what is known as income tax, not the government wala income tax, but indirect income tax. Ki 50% has to be shared with the owner of the land, and because 50% has to be shared with the owner of the land, so two cheeze honi chahiye. There should be permanent tenancy, ki land tere ko hi milegi, yeah. But the problem is there is no permanent tenancy in India. Land generally lease pe di jati ek saal ke liye. They are not done on the paper. You have farmland at your home? Anyone? So your father works or you give it to someone? You give it to someone. Is it done on the stamp paper in the front of magistrate or is it just on the word? Right? So it is just on the word. And word kabhi bhi hum palat sakte hai. Why? Because someone else will say, the tenant is not sure of his security of the land. So and because of this kuch he will not put any input and so in our state we have a different kind of system we have a kind of subsidiary system but the bidders will settle how much should be paid to the owner like if there is producers and if there is brother then they will decide like for this much of land 10 bags or this much of it should be paid. Rest works, I mean, rest depends on the labor of the
rest is on the labor because you acha yes you can use this can be the solution mein hai panchayati ho so the zamindari system just a minute आज and kar diya aawaz khar khar ye bhi nahi chal raha hai fine so 2-3 points regarding the first answer in India the surface water drainage can be basically divided on the basis of origin into Himalayan drainage and the peninsular drainage into the Himalayan drainage and the peninsular drainage into the Himalayan drainage and the peninsular drainage while on the basis of flow while on the basis of flow it can be divided into Arabian Sea drainage and the Bay of Bengal drainage
Arabian Sea drainage and the Bay of Bengal drainage. First point of difference, evolution. Evolution. Most of the Himalayan drainage is an example of an antecedent drainage. Most of the Himalayan drainage is an example of an antecedent drainage. Antecedent drainage, which as per multiple river theory, or Indo-Brahma Shivalik River theory, or Shivalik River theory. Shivalik River theory originated prior to the Himalayas. Example, Indus, Brahmaputra and Ganga. Are antecedent to all the three ranges of Himalayas. On usi point mein, the peninsular rivers are example of consequent consequent matlab consequence to the flow of the land. Jis land direction mein land is sloping, usi direction mein river is flowing, and superimposed drainage. Consequent and the superimposed drainage. Kuch nahi, mere answer mein sirf technical words milenge, ideas are same. And when this question comes for 10 markers, just write the words. Himalayan rivers, antecedent drainage, peninsular rivers, superimposed and consequent drainage. Getting it? Bas ye keywords. December, Jan, give it to Indian geography. December toh khatam hi hai. Jan, give it to Indian geography. Pura GS kam, amara Indian geography, this thing. And make sure that you are going to score 150 plus in paper 2. Paper 1 mein 130, 270, 280. Remember, you don't have to compete with the people of Anthro. Or people of Pol Science, main nahi bolunga because usme is pichle 2 saal se marks kam ho gaya. Your competition should be the people of history. People of, not sociology. Kyun? Kyunki jo geography optional wala hota hai, uske GS ke marks automatically high hote. Fine. Anthrowala has to study very hard for the GS because his portion is not correlated with GS. But you, isliye har ek ki strength and weaknesses are different. So you don't have to compare yourself with other optionals. Fine. Public administration wala person will not study for paper 2. You are not going to study for paper 3 separately. Optional hi GS paper 3 hoga aapka. And half part of GS paper 1. So 420, 430 marks should be there in GS, and 270 to 300 marks should be there in optional. Yeah?
नहीं ऐसा नहीं है. कल पता नहीं पूरे मार्केट में जिससे बात करो इफ समथिंग इज लाइक दिस आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू लेट यू नो. आई हैव गुड कॉन्टैक्ट्स इन यूपीएससी एंड मुझे बहुत पहले से चीज़ें पता लगती है, इसीलिए मैंने जून में लॉन्च किया, नहीं तो करता भी नहीं. राइट, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन. इस साल नहीं रहेगा सी सेट. नाइन्टी 99% सी सेट नहीं रहेगा. अगर इस साल रहा तो अगले साल होगा ही नहीं सी सेट. ऑप्शनल्स आर नॉट गोइंग देयर फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स कहीं पे. That is because you are from engineering background. तो chances है कि CSAT नहीं रहेगा. 99% chances है CSAT नहीं रहेगा. But the problem is, क्योंकि निकल नहीं वाला था, UPSC ने भी recommendation भेज दिया था. RSS backed body, see RSS backed body says that there should be no CSAT, but it has to be follow a certain rules and procedures. सो क्या है रूल्स एंड प्रोसीजर्स? आरएसएस चाहता है कि सी सेट नहीं होना चाहिए. सो बट इट कैनॉट टेल द गवर्नमेंट, सो इट टेल्स यूपीएससी. यूपीएससी सेंड्स रिकमेंडेशन टू डीओपीटी. राइट, अब डीओपीटी हैज एक्सेप्टेड इट, बट इफ इट हैड टू बी इम्प्लीमेंटेड द नोटिफिकेशन शुड हैव कम इन नवंबर और दिसंबर. अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है इस साल. हाँ, फरवरी में नोटिफिकेशन होगा ये आया है, बट देर हैज़ टू बी नोटिफिकेशन कि देर वॉन्ट बी सी सेट. एंड इफ एनीथिंग लाइक ऑप्शनल इज गोइंग टू हैपन, कि इफ दे आर गोइंग टू गेट रिमूव, एक साल पहले पता लगेगा. ऐसे नहीं आर्बिट्रली दे आर गोइंग टू रिमूव. सी सेट का इसीलिए आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ऑप्शनल का 10 ईयर्स ऑप्शनल आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर. यू सी उसका हिंदी ट्रांसलेशन, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनका कॉम्प्रिहेंशन इज डिसाइडिंग फैक्टर, और गूगल ट्रांसलेशन किया जाता है. सो द स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ द रेस. सी सैट हट जाएगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. सी सैट दैट इज प्रॉब्लम. CSAT is anti Hindi belt, anti vernacular belt. But sir, that is worst translation. That is done on Google. कभी passage की तो translation की ही नहीं जा सकती, otherwise you can't print the questions out. Passages you cannot translate. Passages में emotions based questions होते हैं. That's why अगर आपको देना है Hindi के लिए तो अलग से passage. Yes. Different passages. अब RSS is saying कि तो then do one thing that मेक द क्वेश्चन पेपर इन हिंदी एंड ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश. इससे इंग्लिश में जब वाले को ज़्यादा नुकसान होगा. फिफ्टी क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के. इट वॉज गिवन एज इस पात का पौधा आयरन एंड स्टील प्लांट. क्या समझ में आएगा इंग्लिश वाले हिंदी वाले? इस पात का पौधा. दिस इज व्हाट इज वाज एग्जांपल. तो यहाँ से तो ये आंदोलन शुरू हुआ, बट पता नहीं ऑप्शनल कहीं नहीं जा रहे. और अगर ऑप्शनल जाते हैं तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय, मैं ये भी कहता हूँ, 6 GS पेपर्स. पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 विल बी देयर. पेपर 5 विल बी इंटरनेशनल लॉ एंड और लॉ, एंड पेपर 6 विल बी पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी आई फील दैट ऑप्शनल शुड गो पर्सनली, बिकॉज आई हैव सफर्ड ओनली बिकॉज ऑफ ऑप्शनल ना चलने से. सो मैं तो इसका हूँ कि ऑप्शनल जानी चाहिए.
then only it will be a level playing field. हिंदी मीडियम से लोग लिखेंगे मेंस, बट द प्रॉब्लम, हैव यू सीन द कोचिंग ऑफ हिंदी मीडियम, उनके नोट्स अभी भी 1970s के हैं. इंग्लिश मीडियम जितना डायनामिकली चेंज होता है, करंट अफेयर्स, हिंदू मटेरियल, कहाँ है हिंदी मीडियम, कहाँ चेंज हो रही है. मैं भी जानता हूँ, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स है, वही कोई मराठी है, कोई तेलुगु है, कोई हिंदी मीडियम है, जिनके 108 109 है, कोई राजस्थान से है. आई ऑल्सो नो अराउंड 25 स्टूडेंट्स फ्रॉम मे एंड जून बैच ऑफ लास्ट ईयर, जिनका वेरी हाई स्कोर बट सी सैट दे कुड नॉट क्वालिफाई. बट इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइंग सी सैट, ये आपकी गलती है, बिकॉज यू शुड बी एबल टू गेट 67 मार्क्स. 67 मार्क्स तो आने चाहिए, फाइन, एटलीस्ट इतना मिनिमम तो आना चाहिए, 67 मार्क्स. द पीपल, दोज पीपल डोंट टेक दिट सीरियसली, इसलिए वो फेल होते हैं. फेल होने जैसा ही नहीं है पेपर. मैथ्स का डर रहता है, मैथ्स पूछते ही नहीं, दे यू शुड डू रीजनिंग. एक बुक आती है नॉन वर्बल रीजनिंग, उसको प्रॉपरली करके जाओ डेली 2 घंटा, या संडे टू संडे योर सी साइड इज डन. क्वेश्चन ईजी है, ये सिर्फ मेंटल ब्लॉक है. टू, ड्रेनेज, ड्रेनेज, दे फ्लो, हिमालयन रिवर्स फ्लो थ्रू यूथफुल टोपोग्राफी. यूथफुल टोपोग्राफी इन दर अपर स्टेजेस. And therefore carry huge sediments. Huge sediments which are deposited to form large deltas. Huge sediments which are deposited to form large deltas. On other hand, peninsular rivers flow through shallow valleys having hard rock. And hence sediment supply is less. Sediment supply is less. These rivers are in mature and old stage of erosion. Old stage of erosion. Third, flow. Himalayan rivers are highly meandering. Himalayan rivers are highly meandering in their lower course. Himalayan rivers are highly meandering in their lower course. Because of soft alluvial soil, peninsular rivers due to
hard rock strata. Peninsula rivers due to hard rock strata. Have fairly straight path. Have fairly straight path. Have fairly straight path. And यहाँ पे एक diagram. You have to show two diagrams will come here. You can draw any diagram, but its best example is Brahmaputra. क्या हम दिखाएंगे in the diagram? We'll show braided channel of Brahmaputra. Braided channel of Brahmaputra. Versus straight channel of Godavari. नॉर्थ ईस्ट मानसून पुलिकट लेक का वाटर सोर्स तो सी है. कोल्लेरू लेक का पूछ सकते हो. पुलिकट लेक के आसपास तो गोदावरी है ही नहीं. नॉर्थ ईस्ट मानसून उसमें तो समंदर को कनेक्टेड है ना. वो पुलिकट इज अ लगून. इट इज कनेक्टेड टू द सी. तो नॉर्थ ईस्ट मानसून ऐसा एक क्वेश्चन है. नॉर्थ ईस्ट मानसून कोरोमंडल कोस्ट शुरू होता है पुलिकट लेक के जस्ट बाद. तो कोरोमंडल कोस्ट एंटायर एंड सदर्न आंध्रा कोस्ट नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. फाइन डू दिस. टेक द विजन आईएएस फोरम आईएएस का टेस्ट पेपर्स एंड स्टार्ट सॉल्विंग इंडियन फिजिकल. ये अलग से मत पढ़ो. इंडिया फिजिकल एनसीईआरटी ओसो. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स लाइक दिस आस्क मी. फाइन देयरफॉर इसी पॉइंट में देयरफॉर द हिमालयन रिवर्स आर मोर प्रोन टू फ्लड्स. देयरफॉर द हिमालयन रिवर्स आर मोर प्रोन टू फ्लड्स. हिमालयन रिवर्स आर मोर प्रोन टू फ्लड्स आर मोर प्रोन टू फ्लड्स and draw this diagram. This one, flood prone areas of India. कोई और नहीं. बस ऊपर ऊपर से शेड करना. यू कैन डोंट हैव टू मेक द मैप ऑफ इंडिया. द नॉर्मल मैप ऑफ इंडिया जो हम बनाते हैं एट
is you make this map. And this region, and this region, flood prone areas of India. ऐसे भी नहीं. अच्छा चलो, आई एम जस्ट सेइंग कि हैव अ सर्कल. एश्वरी नर्मदा सी एंटरिंग नर्मदा का ओनली द एंड पार्ट इज प्रोन टू फ्लड्स. देर इज हेवी रेनफॉल इन छोटानागपुर प्लाटू, द सोर्स ऑफ ओरिजिन अमरकंटक प्लाटू, एंड देयरफॉर फ्लडिंग ऑकर्स हियर. यस वेरी मच. सबसे ज्यादा फ्लड्स डेल्टा, जहां जहां मैंग्रोव्स है वहां पे फ्लड्स के चांसेस है, बिकॉज इट इज गोइंग टू स्टॉप. डेल्टा रीजन्स आर ऑलवेज प्रोन टू फ्लड्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इसलिए फ्लड्स. ऑब्वियसली दिस आर फ्लड प्रोन रीजन्स ऑफ इंडिया. रिवर्स आर इन द ओल्डर स्टेज. Fine. Regimes. I guess this is the fourth point. Regime. The Himalayan rivers are perennial. And hence, there is not much fluctuation. There is not much fluctuation in their flow. While the peninsular rivers are seasonal and are dependent. Only on monsoon rainfall. You can draw this diagram. किसका दुख, गंगा का, इंडस का, ब्रह्मपुत्र का, किसका चाहिए रिवर? गंगा नहीं, अलग है. ब्रह्मपुत्र में डबल रेनफॉल पीक है. आई गिव यू गंगा का.
river regime does not show how much water is stored in the dams and how much water is diverted through Farakka barrage. अगर डैम स्टोरेज की बात नहीं की तो रिवर रेजिम गंगा का मोर और लेस फ्लैट होगा. रिवर रेजिम एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कितना पानी है वो ये करता है. सो उसमें ये नहीं देखते कि कितना स्टोर किया डैम. एक्सेप्ट जनवरी फरवरी दिसंबर में क्योंकि स्नो विल फ्रीज एंड देयरफॉर वाटर लेवल विल रिड्यूस. नहीं, मॉनसून के समय ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. सेकंड गोदावरी का डायग्राम. No. You can make in the same diagram. रिवर रेजिम में देखो क्या देखना है, पीक फ्लो कब है. जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर से डिक्रीज शुरू होना होता है. इसमें पीक फ्लो कब है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर. द फिगर शोज कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन गंगा perennial versus Godavari seasonal river. Fluctuations in Ganga perennial Godavari seasonal river. Godavari seasonal river. Next, watershed. Watershed. The drainage basins. Of Himalayan rivers are much larger. Drainage basins of Himalayan rivers are much larger because these rivers are bigger and also have some peninsular rivers as tributaries. Some peninsular rivers as tributaries. Example diagram again. Thank you.
कहानी त्रिंबक वेस्टर्न घाट त्रिंबकेश्वर प्लाटू What do you mean by antecedent river? Water was there already. There was no even वैसे केस में there was no Indus also. There was no Brahmaputra. So water was there, but after the upliftment of Himalayas, the source of today's Ganga becomes Gangotri. पहले ये सब था. If you bring it nearby and crustal lengthening करोगे, तो Gangotri चला जाएगा, मानसरोवर को touch हो जाएगा. That means that was Mansarovar Rakas Lake region already. Antecedent nature of Ganga River. Yes. Theory kya? Presence of V-shaped valleys is the biggest evidence of the antecedent river. V-shaped valleys will be formed only if the rate of upliftment is matched by rate of downcutting by the river. तो जब तक अपलिफ्टमेंट होगा नहीं तब तक देयर वोंट बी due to flat topography and the perennial nature the Himalayan river support canal and tube well irrigation peninsula mein लिखने की जरूरत नहीं. पेरिनियल नहीं है इसलिए कनाल इरिगेशन नहीं हो सकता. सेकेंडली फ्लैट नेचर नहीं है इसलिए इरिगेशन नहीं हो सकता. नेविगेशन समझ में आया. तो पेनिनसुलर इंडिया में कौन सा इरिगेशन है? टैंक इरिगेशन. क्यों? बिकॉज इट इज नथिंग बट रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ओल्ड मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पेनिनसुलर इंडिया में. सिर्फ प्रीलिम्स के लिए याद रखना. विच इरिगेशन डोमिनेट्स? टैंक इरिगेशन. एंड गुजरात में विच इरीगेशन डोमिनेट्स? वेल इरीगेशन. तमिलनाडु में वेल इरीगेशन. नेक्स्ट नेविगेशन. मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर नेविगेबल इन द लोअर कोर्स
most of the Himalayan rivers are navigable in the lower course. Himalayan rivers are navigable in the lower course. But only the delta regions, only the delta regions of the peninsular rivers are useful for navigation, are useful for navigation. And the last point, majority of India, majority of Indian population, majority of Indian population depends upon agriculture, depends on agriculture. Which explains the higher population density in the Himalayan river regions, which explains the higher population density in the Himalayan river regions. But the challenge lies, but the Indian rivers are facing the challenge of one, the Indian rivers is facing the challenge of melting of third pole, melting of third common Indian rivers, melting of third pole. Second, excessive pollution, and third, unseasonal rainfalls, sorry, no, variation in the monsoon, variation in the monsoon. Variation in the monsoon. So आपको एक घर में काम दे रहा हूं, फाइन, इंडिया इज वाटर स्ट्रेस्ड, एक सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना कि हाउ टू कंजर्व द वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया, जब आप सोचोगे तो आई वॉन्ट यू टू डू ऑल दिस थिंग्स कि हाउ टू कंजर्व द सरफेस वाटर रिसोर्सेस, मतलब रिवर्स, लेक्स, एंड हाउ टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर रिसोर्स. सो टेल मी द सोर्सेस ऑफ कंजर्विंग द सरफेस वाटर रिसोर्स, डैम्स या चेक डैम्स? चेक डैम्स, नॉट डैम्स. डैम्स आर ऑलवेज बैड. Rain water harvesting, fine, proper utilization of the water, efficiency in agriculture, proper cropping pattern, matlab ye sab ab linked hai, and groundwater is proper micro irrigation methods, using high yielding variety of seeds which require less water, which require less water. बायोटेक्नोलॉजी, पुरानी हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडिया में इंट्रोड्यूस की, जिनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए. फाइन, वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में वाटर रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग, एंड ड्रॉ दिस वन डायग्राम.
What is this black line? This is Great Indian Water Divide. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13. इसको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। A, B, C, D, E, F, G, H, I. सो ग्रीन कलर की रिवर इज गंगा। नंबर वन इज, मतलब ये मैं आपको एग्जाम में इतना सब लिखना नहीं है, मैं आपको इस डायग्राम समझा रहा हूं, फाइन। नंबर वन इज राम गंगा, उसके बाद इट इज गोमती, नंबर थ्री इज घाघरा, नंबर फोर इज गंडक, नंबर फोर इज फाइव इज कोसी, नंबर सिक्स इज महानंदा, द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नंबर सेवन इज चंबल, नंबर एट इज सिंध, नंबर नाइन इज बेटवा, नंबर टेन इज केन, ऑल ऑफ देम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना।
विच इज नंबर 13. नंबर 11 इज सोन, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. नंबर 12 इज दामोदर. गंगा रिवर सिस्टम. इंडस रिवर सिस्टम तो बहुत ही आसान है. इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बिया, सतलज. हाँ वो याद रखनी पड़ेगी, वो याद रखनी पड़ेगी. हाँ नुब्रा, शोक, काबुल, वो लोकेशन स्पेसिफिक याद. कारगिल, द्रास, हुंजर, ये सारी, पर ये नाम स्पेसिफिक पता ही है कि ये नाम सार. इट डज नॉट मेक एनी सेंस, बट मैं ऐसे याद रखता था. सुबर्णरेखा ए, ब्राह्मिणी बैतरणी बी, महानदी सी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरु, पलार, कावेरी, वाईगाई. वाईगाई नहीं मैं आचर. गया का गई हो गया, गई गया. पुन्निनी, पुन्नैयार, एक छोटी रिवर. सो ये रब कर दूं. ए इज सुबर्णरेखा, बी इज ब्राह्मिणी बैतरणी, सी इज महानदी, डी इज गोदावरी, E is Krishna, F is Penneru, G is Palar, H is Kaveri, when I is वाईगाई. यहां पे तो याद ही है नर्मदा एंड तापी. ब्रह्मपुत्रा में भी सब ट्रिब्यूटरीज नहीं पूछते हो, सुबानसरी, कामेंग, धानसरी, मानस, तीस्ता. गंगा, सो
सो यू हैव एन असाइनमेंट टू राइट दिस क्वेश्चन पास्ट ईयर का, ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, हिमालयन रिवर्स वर्सेस पेनिनसुला रिवर्स, 3-4 बार पूछा गया है। कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, उसका मॉडल आंसर बना के रखो माइंड, कौन सा डायग्राम्स, और अच्छे अच्छे डायग्राम्स आएंगे क्या, मे बी फ्लड प्रोन रीजन्स, मे बी ड्रॉट प्रोन रीजन्स ऑफ इंडिया। फाइन, एक और मैं भूल गया कि हिमालयन रिवर्स हैव मोर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल बिकॉज दे फ्लो थ्रू यूथफुल स्टेजेस। By the latest down to earth, latest down to earth, not for optional but for GS, latest down to earth, इस मंथ का मैं आपको इश्यू का नाम भी बता देता हूँ। जंक फूड के ऊपर है, इससे पहले वाला नहीं, दिस वन, जंक फूड मॉन्स्टर। मैं शेयर करूंगा व्हाई आई वांट यू टू बाय इट, ये डेटा के लिए नहीं, स्क्रीनशॉट खींचना पड़ेगा, कर दूंगा। इंडियन हाउसहोल्ड, कितने हाउसहोल्ड विथ एक्सेस टू टॉयलेट, कितने नहीं, कितने हाउसहोल्ड विथ ड्रिंकिंग वाटर, कितने नहीं, आई विल शेयर दिस। एंड सेकेंडली, क्या क्या करना चाहिए वी फॉर द प्लैनेट, दैट इज we have to reduce carbon dioxide by how much gigatons, at what rate, at what percentage, what are the problems with Indian solar power sector, how to remove plastic pollution, case study Rwanda, jahan pe the fine is 23,000 rupees if you are caught with plastic, not 500 rupees। इंडियन कन्वर्जन, एंड फूड सेफ्टी के ऊपर ये टाइमलाइन, ये बहुत, ये मैं आज शेयर कर दूंगा चारों। And this diagram, ultimate diagram, ye. What are the pollutants in groundwater in different states in India? So, ऐसे चलो मैं तो ऑनलाइन शेयर कर दूंगा, बट अगले मेन्स में जब आपके पास बुक रहेगी तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज। यस यस यस, डाउन टू अर्थ डिसेंबर, डाउन टू अर्थ इज अ फोर्टनाइटली मैगजीन, there will be two issues in December, so इसीलिए junk food वाला issue। December 16 to 31 fine, now we will come with the chapter agriculture। सबसे आसान चैप्टर है ये, यू शुड नॉट इवन रीड द कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर राइस, टबैको एक्सेट्रा, ये सब हमारे काम का नहीं। जीएस के लिए पढ़ना है तो पढ़ सकते हो आप, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। नाउ व्हेन वी लुक एट द एग्रीकल्चर का टॉपिक इन आवर ऑप्शनल पेपर, questions are very simple, and secondly questions are always repeated and straightforward। sabse frequent jo question aata hai in this is
व्हाट आर द इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, कभी एक क्वेश्चन आता है जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स इन इंडियन एग्रीकल्चर और हाउ द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स इन इंडियन एग्रीकल्चर आर नॉट अलाउिंग इंडियन एग्रीकल्चर टू ग्रो. सो कभी कभी ये क्वेश्चन चेंज होता है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स इन इंडियन एग्रीकल्चर. कभी कभी ये प्रॉब्लम चेंज होता है, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल टू मॉडर्नाइज द इंडियन एग्रीकल्चर. मतलब सिर्फ एडजेक्टिव्स नहीं डालेंगे ये लोग. फाइन, क्रॉपिंग पैटर्न पे हमेशा एक क्वेश्चन होता है, दिस इज देयर इवन इन जीएस. ओनली थिंग टेक्निकल जो मुझे प्रॉपरली क्लास में पढ़ाना पड़ेगा इज एग्रीकल्चर इंटेंसिटी, बिकॉज इसमें वी विल सॉल्व सम सम्स इन द नेक्स्ट क्लास. एग्रीकल्चर इंटेंसिटी के दो तीन मॉडल है, नेल्सन का मॉडल है, एक वीवर का मॉडल है, एक आर एल सिंह का मॉडल है एग्रीकल्चर इंटेंसिटी पे. क्रॉप कॉम्बिनेशन, वीट के साथ जवार या वीट के साथ शुगर केन एक्सेट्रा, दिज आर द क्रॉप कॉम्बिनेशन. एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री, ग्रीन रिवोल्यूशन एंड इट्स सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग. एक साल आएगा ग्रीन रिवोल्यूशन, एक साल आता है ड्राई फार्मिंग, एक साल फिर से आएगा ग्रीन रिवोल्यूशन, एक साल आएगा ड्राई फार्मिंग. फाइन, एंड क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, पॉजिटिव्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाई वी रिक्वायर सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन, और अभी जो रिसेंटली क्वेश्चन आया था, वी कैन से ग्रीन रिवोल्यूशन हैज डन नीदर हार्म, हैज डन बोथ हार्म एज वेल एज गुड. व्हाई? लाइफ स्टॉक रिसोर्सेस एंड व्हाइट रिवोल्यूशन, मतलब ये व्हाइट रिवोल्यूशन पे है. ब्लू रिवोल्यूशन, सेरिकल्चर, एपिकल्चर एंड पोल्ट्री, ये है फिर से एक टेक्निकल. सो आई एम गोइंग टू टीच यू इन द क्लास इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, क्रॉपिंग पैटर्न, एग्रीकल्चर इंटेंसिटी एंड ये एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशंस, इसके रिटन नोट्स. फाइन, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है इवन फॉर जीएस. And do this chapter even properly for GS. Should you do for prelims? Yes. इसी साल question था on the land reforms. हर साल एक question आ रहा है in the land reforms. That is, in the current batch, the GS में ऐसे पढ़ा रहा हूँ, पहले Indian geography, physical geography. अब Indian geography, physical geography and agriculture geography अलग से. That is, I will do the same thing in QEP also. Agriculture geography एक अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा. The looking at the importance of agriculture. तुम लोग आ जाना, जिस लेक्चर में मैं बोलूंगा उसी में आ जाना. ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को right. So what are the factors that determine the Indian agriculture? Or what are the factors of the agriculture that determine the agriculture? We'll divide the factors into three parts. Physical factors, infrastructure का factors, and institutional factors. These are the three factors that determine the Indian agriculture. Now, what do you mean by the physical factors that determine the agriculture? Physical factors mein aayega wohi, jahan se kabhi question nahi aane wala. Climate, soil and topography, that is geography. How the climate, tropical climate, temperate climate, hum isko padhenge in एग्रो क्रॉपिंग पैटर्न, बेस्ड ऑन द क्रॉपिंग पैटर्न वेयर वी हैव द वीट बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न, वेयर वी हैव द राइस बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न. इफ यू सी इन द सिलेबस, ये दिया भी नहीं है अलग से. क्या दिया है सिलेबस में? इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स. क्वेश्चन इतना सिंपल आता है, व्हाट आर द इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर. सो अगर आपको सिलेबस रटा हुआ है, सो इफ यू नो व्हाट कम्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, सो टेल मी व्हाट विल कम इन द इंफ्रास्ट्रक्चर.
दिस आर द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स पे क्या प्रॉब्लम्स है, व्हाट इज द काइंड ऑफ द फर्टिलाइजर रेशियो इन इंडिया, ओवर फर्टिलाइजर का क्या प्रॉब्लम्स है, अंडर फर्टिलाइजेशन का क्या प्रॉब्लम्स है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, पावर. सो पावर सब जगह, और टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द सीड्स इन इंडिया. लो क्वालिटी सीड्स, लिखो कुछ भी मत, फाइन, देर आर लो क्वालिटी सीड्स. सेकेंडली द हाई प्राइस डुप्लीकेट सीड्स इन द मार्केट एंड देयर फॉर फार्मर्स को फंसाया जाता है. सो तीन प्रॉब्लम्स है, एक तो प्राइस, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स इन द मार्केट. सेकेंडली द प्राइजेस ऑफ द गुड क्वालिटी सीड्स आर वेरी हाई बिकॉज दे आर अंडर द मल्टीनेशनल कंपनीज. एंड थर्डली देर इज लार्ज नंबर ऑफ डुप्लीकेट सीड्स इन द मार्केट. सोल्यूशन बताओ मुझे. नेशनल सीड पॉलिसी एंड विच हैज नॉट बीन दैट सक्सेसफुल. सेकेंड इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज शुड बी स्ट्रेंथेंड. What do you mean by agriculture extension services should be strengthened? ये जितना भी पूसा यूनिवर्सिटी वो सब है, they should do the research and they should tell that research to the farmers. जो होता नहीं है, they do the research and they just publish it in the newspaper. Farmers को वहाँ तक information जाती नहीं है. This is what is agriculture extension services should be strengthened. So what should be done for this? As per Ashok Gulati, we have to write his name. As per Ashok Gulati or as per M.S. Swaminathan, M.S. Swaminathan says seed bank village का concept, and Ashok Gulati says, ये सारे आपके prelims में भी आ गया है, seed bank village का concept etc. Ashok Gulati says, M.S. Swaminathan center thinking में left center वाला है, Ashok Gulati is rightist. So Ashok Gulati says universities को privatize कर दो, ये पूसा विसा university को privatize कर दो, so that they will have incentive to work, and secondly they, when they have incentive to work, we can measure their results, and those who are not working can be, should be fired. Fine. M.S. Swaminathan says establish seed banks in the villages. That means the best quality seeds will be grown by the farmer, and he will save those seeds and he will distribute the seeds to the other villagers. That is what is the seed bank village ka concept. So which are the best quality seeds? Ashok Gulati ka best quality seeds are technological seeds. M.S. Swaminathan ka best quality seeds are older indigenous seeds. Fine? Zaruri nahi organic wala. Zaruri nahi native seeds. Organic is the method of farming. Organic koi seeds ho nahi sakti. Organic is a method of farming. फाइन, नेटिव सीड्स क्यों? क्योंकि क्लाइमेट रेसिलियंट एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज में इट इज दिस सीड्स विच आर गोइंग टू सर्व द पर्पस, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द ट्रॉपिकल वेजिटेशन, ट्रॉपिकल रीजन्स. फाइन, ये है प्रॉब्लम्स ऑफ सीड्स. फर्टिलाइजर, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ यूरिया, सो इसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी द मेड यूरिया लिंक टू द मार्केट प्राइस. फर्टिलाइजर बेस्ड सब्सिडीज हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं. पावर, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा. क्यों? बिकॉज अब मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर गोइंग टू गेट पावर. अगर आता भी है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ पावर इन इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ पावर इज एरेटिक पावर सप्लाई. फाइन, पावर हैज टू बी फर्स्ट गिवन टू वेजिटेशन एंड हैबिटेंट्स, हैबिटेशन जहां पे लोग रहते हैं, एंड देन टू द फील्ड्स. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, द इलेक्ट्रिसिटी इन द एग्रीकल्चर फार्म्स comes early in the morning or late in the night, after 10 o'clock या 4 बजे से पहले सुबह, and as a result of this the farmer has to go in the unearly means non-manly hours for his irrigation, for his fertilizer, for his spraying, for his anything. Capital, यह geographical हमारे syllabus में नहीं है, but because of this problems, institutional factors, capital is not easily available. And irrigation एक अलग ही topic है, हम इसको करेंगे. देर आर टू काइंड ऑफ इरीगेशन, सर्फेस इरीगेशन, ग्राउंड वाटर इरीगेशन. फाइन, सर्फेस इरीगेशन कैन बी कनाल इरीगेशन, सर्फेस इरीगेशन कैन बी माइक्रो इरीगेशन सच एज द स्प्रिंकल इरीगेशन एंड वॉट यू नो ड्रिप इरीगेशन. ग्राउंड वाटर इरीगेशन कैन बी ट्यूबवेल इरीगेशन. इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनके सोल्यूशंस क्या है? First, let us come to the institutional factors. And institutional factors in our syllabus is given as
लैंड होल्डिंग्स, द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, लैंड टेन्योर, टेनेंसी रिफॉर्म्स एंड लैंड रिफॉर्म्स इन जनरल. एंड टेक वन जनरल क्वेश्चन जिसके हिसाब से वी आर गोइंग टू स्टडी दिस. लैंड रिफॉर्म इज की टू मॉडर्न एग्रीकल्चर. लैंड रिफॉर्म्स इज अ की टू मॉडर्न एग्रीकल्चर. Describe various measures taken in this direction. After independence. Examine how these institutional factors are affecting institutional factors are affecting modernization of Indian agriculture. Institutional factors are affecting the modernization of Indian agriculture. Indian agriculture. So before I go further, tell me what are the components of land reforms in India. That is, can I say abolition of intermediaries, zamindari system, mahalwari system, etc. Second, tenancy reforms. And third, ceiling on land holdings. Right, so automatically B comes in C, land tenure. Problem है land holdings का. Land holdings का problem एक general problem है, इसके ऊपर question नहीं आएगा, एक separate आएगा तो एक आपको पता है, that is there is fragmentation of land holdings in India because of it being a hereditary factor, and because of fragmentation of land holdings we are losing large quantity of land. What do you mean by fragmentation of land holdings? हाँ, दो बच्चे हैं तो क्या. सो ये आपका फार्म है, ये आपका खेत है. सो इस खेत को दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इस खेत को और उनके दो बच्चों को, तो इसमें क्या फर्क पड़ रहा है. यस, याद रखना, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि इफ दिस इज द लैंड इन विच यू शुड नो कि दिस पार्ट ऑफ द लैंड इज फर्टाइल and this part of the land is unfertile, so the two children will get equal amount of land, half amount of fertile land, half amount of unfertile land. Ab iske do bacche hai, so he is going to divide fertile land to one and unfertile land to first child, fertile land to second child, unfertile land to second child. Iske do bacche hai. He is going to divide fertile and fertile, unfertile and
अनफर्टाइल, फाइन. दिस इज वॉट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. दैट इज, एक लैंड हमारी इधर है, दूसरी लैंड हमारी इधर है. अंडरस्टैंडिंग? बीच में किसी और की खेत है. प्रॉब्लम क्या हो गया फिर? यू हैव टू पुट इरीगेशन सिस्टम, इसके लिए अलग खरीदो, इसके लिए अलग खरीदो. रोड, इसके लिए अलग मार्केट एक्सेस, इसके लिए अलग मार्केट एक्सेस. अंडरस्टैंडिंग? थर्ड की मेहनत, यहाँ पे जाना, फिर यहाँ से यहाँ पे आना, और इसके लिए अलग मेहनत, फिर से देखने इधर जाओ. सो दिस इज वॉट इज नोन एज अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. योर वन पीस ऑफ द लैंड इज समवेयर, अदर पीस ऑफ द लैंड इज समवेयर. इफ यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, यू नो एक खेत होता है रास्ते के पास जो सबसे अच्छा होता है, और एक खेत होता है अंदर, गाँव के अंदर, फाइन. सो जनरली कोई प्रॉब्लम आता है तो अंदर वाला खेत हम पहले बेचने जाते हैं, फाइन. जब बच्चों का एजुकेशन वो सब होता है तो. सी लाइक यू, आई थ्रू ऑल्सो, वी ऑल आर फ्रॉम मिडिल क्लास, एंड हमारे इसमें ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है कि जब अपने अटेम्प्ट्स पीक पे होते हैं तभी फादर की रिटायरमेंट आती है, फाइन. तभी कोई ना कोई घर में बीमार होता है. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया इन जनरल. सो यू आर नॉट डिफरेंट, आई वॉज ऑल्सो नॉट डिफरेंट. सो तब ये सब रियलाइज होता है. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई कजिन गॉट सिलेक्टेड इन CISF, एंड देयर वेर मेनी फ्रेंड्स. वो फ्रेंड्स फ्रस्ट्रेट होकर नौकरी छोड़ दी, किसी ने बैंक पीओ लग गया, बट ही थ्रू CISF हैज गॉन थ्रू एक्सपीडिशन ऑफ इंडिया, माउंट एवरेस्ट का एक्सपीडिशन CISF का. अब उसका कल फोन आया कि ही हैज बीन सिलेक्टेड इन NSG कमांडोज, सो थ्रू CISF 3 साल में ही हैज गॉट. सो दैट मीन्स ही विल बी पोस्टेड इन मुंबई दिल्ली के अर्बन सेंटर्स. रीजन वन इज, सबसे बड़ा रीजन, आई सेड टू हिम दैट यू हैव फाइटिंग स्पिरिट, देन ही रियलाइज, ही टोल्ड मी वन थिंग, नो भैया, वन ऑफ द रीजन इज आई डोंट हैव, अनलाइक माई फ्रेंड्स, आई डोंट हैव टू स्पेंड, कीप 15,000 फॉर माई सेल्फ एंड सेंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ माई सैलरी होम, बिकॉज दिस फादर इज ऑलरेडी अ IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ऑफिसर. सो उसको ये टेंशन ही नहीं था कि घर में पैसे देने हैं, ये देना है, वो देना है. अंडरस्टैंडिंग? सो ये जो प्रॉब्लम है, बिकॉज ही इज अ सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ब्यूरोक्रेट. हिज ग्रैंडफादर वॉज कलेक्टर ब्रिटिश टाइम के, सो ही इज अ थर्ड जनरेशन ब्यूरोक्रेट. सो ऑब्वियसली लिंक्स लगते गए एंड ही गॉट सिलेक्टेड इन NSG. बट यही उसके दोस्त जो थे, वो बेचारे आज कोई राजू चौक मेट्रो स्टेशन पे है, कोई कोल इंडिया लिमिटेड में सिंहभूम में रक्षा कर रहा है. अंडरस्टैंडिंग? कोई भेजा गया है डेपुटेशन. सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको लगता है विच आर वेरी टफ. याद रखना, दिस आर आवर कॉमन प्रॉब्लम. सो इन सब चीज़ों से कभी डरना मत. ओनली थिंग दैट कैन चेंज दिस थिंग इज योर सिलेक्शन. नहीं तो हमारे घर में रिटायर होते रहेंगे, हमारे घर में बीमार लोग पड़ते रहेंगे. सो कमिंग टू द लैंड होल्डिंग्स का सोल्यूशन is simple, that is the consolidation of the land holdings so that XYZ will occur. And now I am just making the flow chart how we are going to study this most important topic, land reforms. Why the need? Then what are the components? What is the extent in India? And iske saath ki case study. And what are the failures? And इसके साथ की case study. So
So why the need of land reforms? Tell me. क्या क्या फर्क पड़ेगा? Why we require land reforms? So land reforms in India has three components: land tenancy reforms, abolition of intermediaries, and land ceiling act. Why the need? Socio-economic development, second political needs, and third the agriculture needs. Agriculture ne, political needs hame answer mein nahi likhna hai. So our answer should be focusing on socio-economic needs and the agriculture needs. So the first is don't write anything. First is Banerjee ki study and Shabnam ki study. That is, smaller the land holdings, greater is the productivity. In the country like India, the land holdings have to be smaller because as per DPSP, there cannot be concentration of wealth in the few hands. And therefore, land reforms are a part of DPSP as well as the promise of the constitution. So because we have large sector of the population which depends upon agriculture, which do not have proper lands. And therefore, land holding was initiated by the government soon after independence. Right? It has been proved that if the farmers are working on their own or the tillers is working on their own land, the productivity of the land increases and the production increases. Increase in the agriculture production helps in creating internal demand in the market, internal industrial demand. And thus, land reforms don't have just one positive, ki food security. It also has the positive of economic growth of the country by creating internal demand of the industries. ये सब नहीं है खुल्लर में, याद रखना. इट क्रिएट्स इंटरनल डिमांड इन द इंडस्ट्रीज. ग्रीन रिवोल्यूशन मेड इंडिया अ सक्सेस स्टोरी इन द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन आया वैसे इरिगेशन पंप्स का डिमांड बढ़ गया, वैसे ट्रैक्टर्स का डिमांड बढ़ गया. फाइन, सो इट क्रिएट्स इंटरनल डिमांड इन द मार्केट एंड देयरफॉर टुडे इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इंटरनल स्ट्रांग इंटरनल डिमांड इन द मार्केट इज वेरी मच नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल मार्केट सेक्टर. फाइन, ये है economic conditions. Second, land reforms are also responsible social conditions because in the absence of land reforms, there is a hierarchical relationship between the tiller and the owner. And such hierarchical relationship is not accepted in the modern thought of geography, that is welfareism. So, क्या लाया आपने? Paper one का concept. So, the welfare school or the modern schools of geographical thought such as humanism and welfareism talks about removing the deterministic nature of sower and owner of the land, and therefore land reforms are an outcome of the modern school in geography which came as a reaction to quantitative revolution, so that you remove the hierarchical relationship between the this thing. Third, new food security of the nation. And fourth, because the owner itself is the tiller of the land, so as a result of this, he will take care of the land, that is, he will give proper agriculture inputs in the terms of seeds, fertilizers, power, irrigation, so that the land ka quality and the soil quality remains good, and hence the problem of soil degradation does not occur. This is the need for the land reforms. But the problems is ki there are three factors of the land reforms, that is abolition of zamindari system, rohitwari system, mahalwari system, jisko kehte the hum agents, intermediaries. Ye sare states mein successful hua hai, but it has been more successful in the left ruled state. Studies have shown that land reforms is demand and supply. Wherever the left ruled government has been there, it is seen that there was a greater demand for land reforms and they supplied it with the reforms. Studies have also shown that wherever the political competition between the left and the other parties was greater, land reforms were more successful. Example, Kerala. Political competition. Agar aapne 5 saal mein land reforms nahi kiya, to next time Congress aa jayegi. Fine, you don't have to take the name of any parties. You have to take left and center. Jahan pe political competition was not there, Bengal ya Bihar, itna successful nahi hua. Fine, case study. After the land reforms, the case study was done between Bengal and Bihar by Wallace. Wallace is a famous geographer, agriculture geographer. And he, why Bengal and Bihar? Because both of them have same agroclimatic conditions. And he found that the rice
production in Bihar increased by 3 times as compared to Bangladesh. I'm very sorry. The case study comparison between Bangladesh and Bengal. So the studies by Wellesley have shown that after the RAND reforms, rice production increased in Bengal by 3 times as compared to Bangladesh. Why Bangladesh and Bengal? Because both have same conditions, same pani, same agroclimatic conditions, etc. Fine. Second hai, the tenancy reforms. The tenancy reforms mein there are problems because many times the strong landowners were themselves the rule, were the political, you can say, leaders, and these political leaders did not take the steps to improve the tenancy reforms, and as a result of this, tenancy reforms were not that much successful in India. Uska reason, one of the reason for tenancy reforms being not successful in India is complex laws of the tenants, and yahan pe aayega principal agent theory jo maine aapko diya tha. And third, selling on land holdings. Selling on land holdings is the failure in most case because of certain negatives. What can be the negative? Trust, religious institutions and corporates were lived out of the landholding. So many people formed the families, formed the trust. Second example, the size of the family was not properly declared. In some states it was, in some states it was size of the entire family, in some state it was the member of 4. So many people engaged in, many zamindars in that time engaged in more than one marriage so that they can have more children, and they will have the entire more children, so more farms with them. And third, corruption. There was a difference between the size of the land holdings of irrigated region and unirrigated region, and because of this there was corruption. Ki irrigated land was shown as unirrigated, and therefore selling on the land holdings was not successful. Solution: Digital India, computerization of the land holdings, which is taking place. Khatam land reforms. Itna detail mein jaane ki zarurat hi nahi hai. Fine. So we'll continue on third, and we'll finish ek lecture mein this chapter, because this chapter is going to be very easy. इसमें कंसेप्चुअल नहीं है, बट मेरा यह कहना है कि खुल्लर वो सब का ये नहीं है, हमें थियोरीज लानी है, हमें वेलफेयरिज्म लाना है, हमें क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट जाना है, बिकॉज लैंड रिफॉर्म्स नहीं करोगे तो इट इज डिटर्मिनिस्टिक, द ओनर ऑफ द लैंड इज डिटरमाइनिंग व्हाट यू शुड बी सोइंग एक्सेट्रा. फाइन. आज रात को आई विल गिव यू सम टारगेट्स. थर्ड Second, I will have to take the class from Bombay. And our last class is